नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड अनुराक्षर में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है अभी तक इतिहास में मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे, और मध्यकालीन इतिहास में हमने दिल्ली सल्तनत पूरा ख़त्म कर दिया था और मुगल काल शुरू कर दिए थे, बाबर पढ़ चुके हैं। अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पुराना वीडियो ज़रूर देखिए। आपको ये है कि हिस्ट्री में एक लगन जो है पैदा कर दूंगा, ये गारंटी है। अगर आप हमारा हिस्ट्री का पूरा वीडियो देखते हैं तो यूपीएससी प्री लेवल तक के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है जो आपको ना बताया हूँ या जिस विषय में आपको जानकारी ना हो, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इसलिए आप मेरा एक एक वीडियो जरूर देखा कीजिए। और हिस्ट्री का जितनी भी हमारी आज तक क्लास चली है और उन क्लासों को पढ़ने के बाद अगर उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कहीं भी पाते हैं तो मैं ये गारंटी कर सकता हूं कि वो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। हम लोग जो है मुगल काल में आज अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मुगल काल में आज दूसरा जो है स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे हुमायूं के बारे में। तो देखिए, जब बाबर मरा था 1530 ईस्वी में, तो बाबर के जो पुत्र थे, बाबर के जो पुत्र थे, चार बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर के चार बेटे थे, ठीक। और नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो था, ये 1526 ईस्वी से लेकर के 1540 ईस्वी तक एक बार शासन किया, फिर 1555 से 1556 तक एक बार शासन किया। मुगल काल का ये सबसे अभागा बादशाह था। कौन सा बादशाह था? अभागा बादशाह। तो मुगल काल का अभागा बादशाह कौन था? तो वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और इसका जो जन्म हुआ था वो काबुल में हुआ था, ठीक। हुमायूं का जन्म जो है काबुल में हुआ था, और कब हुआ था? 1508 ईस्वी में हुआ था। अगर हम जन्म की बात करें तो जन्म जो है इसका 1508 ईस्वी में, और वो भी काबुल में हुआ था। कहां हुआ था? काबुल में हुआ था। इसके चार भाई थे, और इसके जो मतलब कि इसका जो नाश हुआ, या हम ये कह रहे कि जो इसने जो है अपने राज्य को संभाल नहीं पाया, उसका कारण ये था कि जो है ये बहुत नेक दिल का था, और इसने जो है अपना जो राज्य था चारों भाइयों को बराबर बराबर बांट दिया था, ठीक। तो इसीलिए इसके विस्तार का जो पतन था, मतलब इसका जो कम विस्तार हुआ, उसका कारण भी एक ये भी माना जाता है कि इसने जो है अपने चारों भाइयों को बराबर बराबर जो है बांट दिया था, तो राज्य का जो विभाजन कर दिया, यही इसकी कमजोरी बन गई। इसने जो है अपने पास दिल्ली और आगरा रखा, कामरान को काबुल और कंधार दे दिया, ठीक। वही अगर हम अस्करी की बात करें तो अस्करी को जो है आगे वही अस्करी संभल लिया था, ठीक। अस्करी को क्या दिया था? संभल दिया था। अस्करी को क्या मिला था? संभल मिला था। और वही अगर हिंदाल की बात करें तो हिंदाल को अलवर वाला राज्य दिया गया था। तो चारों भाइयों को इसने बराबर बराबर बांट दिया था, अपना राज्य चारों भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया था। यही इसका जो है एक प्रमुख कारण था जो इसके जो है पतन हुआ इसका, या इसका जो राज सही से नहीं चला, इसका विनाश जो हुआ, उसका कारण यही था कि इसने जो है चारों भाइयों को बांट दिया। और जब चारों भाई अलग अलग रहेंगे, अलग अलग राज्य करेंगे, तो वो एक दूसरे का राज्य छीनना चाहेंगे। तो यही हुआ। अगर इसके विरोधी की बात करें तो इसके विरोधी जो थे, तीन शत्रु थे इसके। इसके अगर शत्रु की बात की जाए तो इसके तीन शत्रु थे। एक महमूद लोधी था, एक शेर खान था, शेर खान लोधी जिसको बोलते हैं।
और जिसका वास्तविक नाम फरीद था, और तीसरा था शेर शाह, ठीक है, बहादुर शाह, सॉरी तीसरा था बहादुर शाह। तो तीन इसके विरोधी थे। अगर हम महमूद लोदी की बात करें तो महमूद लोदी जो था वो कहां का शासक था, महमूद लोदी हमारा बंगाल का शासक था। शेर खान की बात करें तो बिहार का शासक था, और बहादुर शाह की बात करें तो ये गुजरात का शासक था। ठीक, तो कहां कहां का, बंगाल, बिहार और गुजरात, ये बंगाल का शासक था, ये बिहार का शासक था और ये गुजरात का शासक था। ठीक, तो देखिए इसके दोनों, इनको दोनों को हराने में तो हुमायूं को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, लेकिन शेर खान लोदी ही ऐसा शासक था जिसके लिए जो है इसको लोहे के चने चबाने पड़ गए, लोहे के चने चबाने पड़ गए, मतलब इसको पराजित करना इसके बस की बात नहीं थी। शेर खान लोदी जो है बाबर के समय में था, बाबर के समय में जब चंदावर का युद्ध हुआ था, तो चंदावर के युद्ध में बाबर की सेना से लड़ा था, मतलब बाबर की तरफ से ये लड़ा था। उसी के बाद जो है बाबर इसको निकाल देता है अपनी सेना से, और वही देखिए ये जब जा रहा था तो इसने कहा था कि एक दिन मैं मुगलों का विनाश करके रहूंगा। तो वो चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी कि ये मुगल का विनाश जो है, मुगल अपने चरम सीमा पर आ गया था। तो कैसे आया था हम बताते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या होता है कि हुमायूं जो है अपना पहला आक्रमण, हुमायूं अपना पहला आक्रमण 1531 ईस्वी में करता है। कब करता है, 1531 ईस्वी में पहला आक्रमण करता है, और कहां पे करता है, कालिंजन में करता है। तो हुमायूं जो है अपना पहला आक्रमण कालिंजन पर करता है, और कालिंजन का जो शासक था, कालिंजन का शासक उस समय था प्रताप रुद्रदेव। क्या, कौन था, प्रताप रुद्रदेव, कालिंजन का शासक प्रताप रुद्रदेव था, और ये जो है जीत जाता है। कालिंजन पर जब आक्रमण करता है तो वहां पे हुमायूं की हार हो जाती है और प्रताप रुद्रदेव जीत जाता है। उसके बाद ये फिर क्या करता है कि इसको जो है महमूद लोदी की याद आती है, महमूद लोदी की याद आती है, तो 1531 ईस्वी में ही, 1531 ईस्वी में ही ये जो है दोहरिया का युद्ध लड़ता है, दोहरिया का युद्ध लड़ता है, और दोहरिया का युद्ध जो होता है वो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में होता है। और इसमें होता क्या है कि महमूद लोदी की जो है हत्या कर दी जाती है, हुमायूं जीत जाता है, और हुमायूं क्या करता है, महमूद लोदी की हत्या कर देता है। तो महमूद लोदी की हत्या कर देता है, महमूद लोदी मर जाता है। तो इसका जो तीन दुश्मन था, तीन दुश्मन में एक दुश्मन तो यहां पे खत्म हो गया महमूद लोदी। उसके बाद क्या करता है, इसने जो है ये अब चूंकि स्टार्ट कर दिया है अपने दुश्मनों का विनाश करना, तो शुरू कर दिया। इसने सबसे पहले किसको हरा दिया, महमूद लोदी को खत्म कर दिया। इसके बाद ये शेर खान के पास पहुंचता है, और शेर खान जो है उस समय चुनारगढ़ के किले में रहता था। ठीक, कहां पे रहता था, चुनारगढ़ के किले में रहता था शेर खान, कहां रहता था, चुनारगढ़ के किले में रहता था। और ये जो है पहुंचा चुनारगढ़, पहुंच गया कौन, हुमायूं, और 1532 ईस्वी में चुनारगढ़ किले के सामने डेरा डाल दिया। क्या किया, डेरा डाल दिया, और छह महीने तक ये डेरा डाले रहता है। जैसे अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें, तो जब अलाउद्दीन खिलजी जो है रावण रतन सिंह के मेवाड़ के किले पर आक्रमण किया था, तो वहां का किला भी बहुत बड़ा था कि राशन सामग्री इतना पर्याप्त, उसी में कृषि होती थी, उसी में सब कुछ मिल जाता था, किले के बाहर जाने की जरूरत नहीं होती थी। उसी तरह जो है चुनारगढ़ का किला भी इसी प्रकार था कि वहीं राशन पानी सब वहीं मिल जाता था, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी।
तो वही चीज हुआ कि शेर खान के पास इतना सामान था कि 6 महीने तक आराम से खाता रहा। जब शेर खान को लगा कि अब हमारा सामान कम हो रहा है तो ये अपने पुत्र को, शेर खान जो है अपने पुत्र को भेज दिया इसके पास संधि करने के लिए, और अपने पुत्र को भेजा एक सेना की छोटी टुकड़ी लेकर, सेना की एक छोटी टुकड़ी देकर के अपने पुत्र को भेजा हुमायूं के पास, और हुमायूं से क्या किया, संधि कर ली। हुमायूं से क्या कर लिया, संधि कर ली। इसके बाद क्या होता है कि अब तो एक दुश्मन तो ये था महमूद लोधी जिसको तो मार चुका है, दूसरा दुश्मन ये था शेर खान जो अपने आप को सरेंडर कर दिया, तीसरा दुश्मन बचा कौन सा, बहादुर शाह बचा। इसके बाद ये इसको याद आया कि बहादुर शाह से मिलना है, तो ये कहां पहुंचा, बहादुर शाह के पास पहुंचा 1533 ईस्वी में। कब, 1533 ईस्वी में। 1533 ईस्वी में ये बहादुर शाह के पास पहुंचा और बहादुर शाह को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। 1533 ईस्वी में इसने बहादुर शाह को पराजित कर दिया। उसके बाद 1538 ईस्वी में इसने चुनार गढ़ पर दूसरी बार आक्रमण कर दिया। 1538 ईस्वी में चुनारगढ़ का सेकेंड आक्रमण, 1538 ईस्वी में इसने चुनारगढ़ पर पुनः आक्रमण कर दिया, और जो है चुनारगढ़ पर क्या कर दिया, अधिकार कर लिया। और हुमायूं की एक थोड़ा कमी थी, कमी ये थी कि छोटी सी जीत की बहुत बड़ी खुशी मनाता था। चुनारगढ़ पर अधिकार कर लिया, वहां इसको ज्यादा सामान नहीं मिला, वहां से शेर खान जो है भाग जा चुका था, मतलब भाग चुका था। तो जब ये जीत गया तो इसको बहुत खुशी हुई, और ये जो है अपना जो है कम से कम 15 दिन तक जो है वहीं पर अय्याशी करता रहा। यही इसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी। शेर खान को पता चला कि हुमायूं जो है अय्याशी में लगा हुआ है, और जो हुमायूं था, हुमायूं ने बंगाल के गौड़ को क्या कहा था, जन्नताबाद कहा था। क्या कहा था, जन्नताबाद। बंगाल के गौड़ स्थान को जन्नताबाद नाम दिया था। किसने दिया था, हुमायूं ने दिया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, होता क्या है कि इसी के बाद जब हुमायूं जो है 1538 ईस्वी में यहां से लौट रहा था कालिंजर से, तो चौसा नामक स्थान पर शेर खान जो है इसका इंतजार कर रहा था। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है, शेर खान और हुमायूं के बीच, जिसमें जो है हुमायूं हार जाता है, शेर खान जीत जाता है। ठीक, हारने के बाद जो है जब हुमायूं हार जाता है तो इसी युद्ध में, चौसा के युद्ध में ही हुमायूं, इसी युद्ध में हुमायूं अपने घोड़े के साथ नदी में कूद गया था। मतलब चौसा के युद्ध में ही हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए कहां पे कूद गया, नदी में कूद गया था। और वहां पर एक नाविक था निजाम, जिसने जो है हुमायूं की जान बचाई। और इसी के बाद जो है, इसी युद्ध के बाद शेर खान ने एक उपाधि धारण की थी, शेर शाह की। तो क्वेश्चन बन सकता है कि शेर शाह सूरी ने शेर शाह की उपाधि कब धारण की थी, तो चौसा के युद्ध में धारण की थी, 1539 ईस्वी में धारण की थी। कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो हुमायूं को बचाया किसने, निजाम ने बचाया था, इसीलिए हुमायूं ने निजाम को एक दिन का बादशाह बनाया। एक दिन का बादशाह बनाया। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि मुगल काल के दौरान वह कौन था
जो एक दिन का बादशाह बना था तो वो कौन था? निजाम था। निजाम एक दिन का बादशाह बना था, और जब निजाम बादशाह बना था ना, तो ये चमड़े के सिक्के चलवाए थे। किस चीज के सिक्के? चमड़े के सिक्के चलवाए थे। और वही क्वेश्चन बनता है कि चमड़ा के सिक्का चलाने वाला शासक कौन था? तो चमड़ा का सिक्का चलाने वाला शासक कौन था? हुमायूं था, और निजाम चलाया था। चमड़े के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में निजाम ही चलवाए थे। इसी के बाद जो है 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध होता है। 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध होता है, और ये भी हुमायूं और शेरशाह के बीच में होता है। हुमायूं और शेरशाह के बीच में होता है। शेरशाह जीत जाता है, हुमायूं हार जाता है। इसी युद्ध में हुमायूं की बहुत बुरी तरह हार हुई थी, और मुगलों का अंत हो गया। मुगलों का अंत हो गया, मतलब आपने देखा कि किस प्रकार मुगलों का अंत हुआ, और भारत में सूर वंश की स्थापना हुई। भारत में सूर वंश की स्थापना हुई थी। तो मुगल काल, बाबर जो अपना साम्राज्य बनाया था, हुमायूं के समय में मुगल काल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। कोई ऐसा नहीं था जो यह कह सकता था कि मुगल काल अब जीवित रहेगा या मुगल काल अब चलेगा कुछ दिन तक। लेकिन हुआ क्या, किस्मत को कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपकी किस्मत आपका अपना हथियार है। आगे देखिए, तो मुगलों का अंत हो गया इसी युद्ध में। मुगलों का अंत हो गया, और हुमायूं जो है भाग जाता है। जाता है कहां? अमरकोट के राजा बीरसाल के यहां जाता है। कहां जाता है? अमरकोट के राजा बीरसाल के यहां जाता है। यहीं पर जो है हमीदा बानो बेगम से विवाह करता है। 1541 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम से विवाह करता है 1541 ईस्वी में। कहां पर? अमरकोट में। और इसी यहीं पर अमरकोट में ही 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में ही 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है। अकबर का जन्म होता है, ठीक। तो अकबर का जन्म यहीं पे होता है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। और क्वेश्चन देखिए, अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन। कुछ लोग कहेंगे, अभी सोच रहे होंगे कि अकबर के बचपन का नाम तो जलालुद्दीन था, लेकिन नहीं, बचपन का नाम बदरुद्दीन था। उसके बाद जब ये 4 साल का हो गया, जब ये 4 वर्ष का हुआ, तो इसका नाम पड़ा जलालुद्दीन। जब ये 4 साल का हुआ तो इसका नाम क्या पड़ गया? जलालुद्दीन। और वहीं जब ये 13 साल का हुआ, 13 वर्ष का जब ये शासन शुरू किया, तो इसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद की उपाधि धारण करता है। और उसी के बाद जब ये जजिया कर समाप्त कर देता है, तो इसको जनता ने उपाधि दी कौन सी? अकबर। और ये बन जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो ये था कि अकबर का नाम कैसे कैसे क्या क्या पड़ा। तो बचपन का नाम जो है बदरुद्दीन था, उसके बाद जलालुद्दीन पड़ा, फिर जलालुद्दीन मोहम्मद पड़ा, फिर अकबर पड़ा। ये चीज है, गारंटी करता हूं कि ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको मैं टाक करवा दूंगा, लेकिन ये है कि इतिहास में एक लगन पैदा कर दूंगा, एक लगन जुनून उत्पन्न कर दूंगा आपके अंदर, आप अगर हमारी सारी वीडियो देखेंगे तो। आगे देखिए, इसके बाद क्या होता है। हुमायूं जो है, जब अकबर पैदा होता है तो सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव के पास पहुंचता है आशीर्वाद लेने के लिए। किसके पास?
अंगद देव के पास आशीर्वाद लेने जाता है। कौन था अंगद देव? सिखों के दूसरे गुरु थे अंगद देव, जिसके पास आशीर्वाद लेने के लिए जाता है। और अंगद देव ही थे, यही थे जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। तो अंगद देव ने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। इसके बाद देखिए, जब यहां से लौटता है तो माहम अंगा, जो कि अकबर की दादी थी, ठीक, और इसकी ताइमा थी, तो अपनी ताइमा माहम अंगा के पास अकबर को छोड़कर ये अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए चल पड़ता है। और वही होता है कि 1545 ईस्वी में काबुल और कंधार पर यह पुनः अधिकार कर लेता है। और यहीं पर इसे सेनापति मिलता है, सेनापति बैरम खान, जो कि कटप्पा की तरह ईमानदार था। कौन? बैरम खान। कटप्पा की तरह जो है इसको सेनापति मिलता है। बैरम खान किस युद्ध में मिलता है, किस राज्य में मिलता है? काबुल और कंधार पे जब ये आक्रमण करता है। इसी के बाद फिर ये आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद 1554 ईस्वी में पेशावर पर अधिकार करता है। 1554 ईस्वी में पेशावर पर अधिकार करता है, 1555 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार करता है, ठीक, और 1555 ईस्वी में ही मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है। और मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? हुमायूं और शेर शाह। हुमायूं और शेर शाह का जो पुत्र था नजीम खान, जिसका नाम था शेर शाह का पुत्र जो था, क्या नाम था? नजीम खान। शेर शाह का जो पुत्र था नजीब खान और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है, और इसमें जो है हुमायूं की जीत हो जाती है और नजीब खान क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। फिर वही अगला जो है 1555 में ही सरहिंद का युद्ध लड़ा जाता है। सरहिंद का युद्ध भी हुमायूं, ठीक, सरहिंद का युद्ध लड़ा जाता है, जो कि हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में हुआ था। जिसमें सिकंदर सूरी पराजित हुआ था, हुमायूं की जीत हुई थी। और यही वह युद्ध था जो पुनः मुगल काल की स्थापना कर देता है। पुनः मुगल काल की स्थापना होती है। कहां से? सरहिंद के युद्ध से पुनः मुगल काल की स्थापना होती है। उसके बाद क्या होता है कि इसी के बाद 1556 ईस्वी में हुमायूं जो है अपनी लाइब्रेरी शेरे मंडल, जिसको जहां जो था शेरे मंडल की लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1556 ईस्वी में पुस्तकालय शेरे मंडल से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। अफीम ये ज्यादा खाता था, और हुआ ये कि ये अफीम का सेवन किया था, और इसका जो लवादा जो पहनता था उसी को वो पैर के नीचे आ गया और उसी में अटक कर ये लुढ़कते लुढ़कते गिर गया। इतिहासकार एलिफिस्टीन ने कहा है कि हुमायूं जो है एक ऐसा बादशाह था जो जिस प्रकार लुढ़कते लुढ़कते शासन किया था उसी प्रकार लुढ़क लुढ़क कर मर गया। जिस प्रकार ये लुढ़कते लुढ़कते शासन किया था उसी प्रकार ये लुढ़क लुढ़क कर मर गया। और देखिए कि दिल्ली शहर में जो है दीन पनाह नामक जब बना था,
उसी को नष्ट करके शेर खान ने पुराना किला बनवाया था। तो पुराना किला किसने बनवाया था? शेर शाह ने बनवाया था या शेर खान ने बनवाया था? ठीक, उसी के बाद देखिए इनकी जो हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है उसी के सामने जो है हुमायूं का मकबरा बनवाया गया। कहां पे? हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के सामने इसका जो है मकबरा बनवाया गया। ठीक, कहां पर? दिल्ली में। और इसकी जो पत्नी थी, उस हाजी बेगम इसकी पत्नी हाजी बेगम ने इसका मकबरा बनवाया था। ठीक, तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं की पत्नी जो थी हाजी बेगम, उसने बनवाया था। और हुमायूं की आत्मकथा, इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की क्या थी? बहन। ठीक, तो ये चीज था हुमायूं के विषय में ये चीज सारी बातें थी। और अगर एक दो बात और मानी जाए महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में, तो हुमायूं का विषय में मुख्य बिंदु जो था, तीन बिंदु थे। सबसे पहला, ये ज्योतिषी में विश्वास रखता था। दूसरा, प्रतिदिन यह अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था। ठीक, प्रतिदिन यह अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था। और ये जो है अफीम का आदि था। तो ये तीन बिंदु जो है हुमायूं के विषय में जाननी जरूरी थी। तो यहां पे जो है आपका जो है हुमायूं खत्म होता है। अगला जो है हम लोग जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अकबर के बारे में, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप लोग जो है अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप ही लोगों के लिए जो है हम लोग लगे हुए हैं। हमारे चैनल पे आपको लाइव क्लास मिल रही है। और अगर जो है अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर।